सुसमाचार का काम करने के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिए, व्यक्तिगत प्रार्थना। अभी हम कल बहुत चीज सीखा है कि व्यक्तिगत व्यक्ति एक ईश्वर एक व्यक्ति है, पिता परमेश्वर एक व्यक्ति है, पुत्र परमेश्वर एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी एक व्यक्ति है। और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर हमारे हृदय पर निवास है और हम उसमें, वो बहुत अनोखी चीज है। ईश्वर मेरा अंदर निवास है, उसी समय मैं उसका अंदर भी निवास है। समझ में आया? कृपा मतलब क्या होता है? कृपा ईश्वरीय जीवन मनुष्य जीवन पर मिलन होता है, होता है, उसके बाद ऐसा रहता नहीं। हमारा जीवन को पवित्र बनाता है, शक्तिकरण करता है। ये रोज यानी रोज सुबह कुछ देरी व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए। तो अभी मैं एक नमूना दिखाएंगे आपको। पहले हम अपना ये गीत गाएंगे। कौन सा गीत? ओ आत्मा। वो गीत मेरा लिखा हुआ गीत है, लेकिन वो मेरा नहीं लिखा हुआ, वो तो प्रभु ने मुझसे लिखवाया है। रोज मैं ओ गीत के द्वारा उसमें क्या क्या प्रभु हमें सिखाता है उसको अनुभव करना चाहिए, अनुभव। तो अब ये गीत गाते वक्त आप व्यक्तिगत रीति से उसमें क्या क्या कहा है वो अनुभव करते हुए गाइए। यस, खड़े हो जाएंगे सब लोग, खड़े हो जाएंगे। तालियां बजा दो, सब लोग तालियां बजाएंगे। आत्मा आवर आत्मा
Oh,
और एक बार आपके दोनों हाथ हृदय पर रखते हुए इस बहुत 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 बड़ा रहस्य है, पिता मेरे संग अनुभव कीजिए, पुत्र मेरे संग स्वर्ग के राज है मुझ में, पिता मेरे संग पुत्र मेरे संग स्वर्ग का राज है मुझ में। हूँ आत्मा पावन आत्मा, हे पवित्र आत्मा प्रभु मेरा हृदय में निवास, प्रभु पवित्र आत्मा जब मुझ में बहा, भरा प्रेम से मन मेरा। हे प्रभु मेरा हृदय प्रेम से भर दीजिए, प्रभु ईश्वर प्रेम है। हे प्रभु मेरे हृदय में आपका प्रेम प्रचुर मात्र में बहाइए प्रभु, भरा प्रेम से मन मेरा। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में मिलकर मैंने पुकारा, आबा पिता। ये रोमियो का नाम पत्र में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में मिलकर, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में मिलकर। आइए बैठिए। थैंक यू। मुझे मेरा इस प्रेरणादायी काम का शुरुआत में प्रभु ने मुझे ये बात सिखाया, ईश्वर का वचन मेरा हृदय पर बसने के लिए मेरा हृदय कैसा होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। तो आप सबों को मालूम है वो जो दृष्टांत, कौन सा दृष्टांत, बोने वाला का दृष्टांत,
बोने वाला का दृष्टांत। वो पढ़कर मैं सोचा यही एक रास्ता है। वजन कितना भी बाइबल पढ़ने से नहीं होता है। वजन कहाँ होना चाहिए? वजन हर एक व्यक्ति का हृदय पर, जैसा एक बोने वाला धान बोता है, ऐसा ईश्वर हमारा हृदय पर वजन को बोता है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में है बोने वाले का दृष्टांत। उन्होंने दृष्टांत द्वारा हमें बहुत, उसके बाद दृष्टांत का उद्देश्य ईसा को, ईसा के शिष्य ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? अध्याय 13 पद संख्या 10। उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग के राज का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है जिसको और दिया जाएगा। सब लोग दोहराइए, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसको और दिया जाएगा। जिसके पास कुछ है उसको और दिया जाएगा। अभी कोई सोचता है कि ऐसा लिखा क्या है? ऐसा लिखा क्या? ऐसा ही लिखा है, जरा घूल के देखो। सब लोग और एक बार बोलिए, जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएंगे। ये सब बहुत रहस्यमय बात है। ये सब किसको बताएंगे? जो शिष्य लोगों को, बाकी लोगों को नहीं। आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं? हम लोग प्रभु यीशु का शिष्य है, शिष्य। खास करके बपतिस्मा द्वारा और पवित्र मिसा द्वारा प्रभु का शरीर के साथ हम जोड़े हुए हैं, और हम लोगों एक स्पेशल ग्रुप है। उसके लिए बोलता है जो ईश्वर का राज का रहस्य उन लोगों को नहीं, उनको सिर्फ दृष्टांत द्वारा, ये तुम लोगों को है। क्योंकि तुमको जो, क्योंकि जिसके पास कुछ है, बोलिए, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसको और दिया जाएगा, और उसका पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उस वही भी ले लिया जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास से वही भी ले लिया जाएगा। वो अभी सीखने का जरूरत नहीं, अभी हमारे बात सोचो है। हमारे पास तो कुछ है ना। मैं तुम्हें दृष्टांतों में, अच्छा अच्छा अभी हमारा इस बात पर आएंगे। जब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो, यदि कोई राज का वजन सुनता है लेकिन समझता नहीं है
तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। हम लोग कल सीखा है ईश्वर का वचन स्वयं ईश्वरी है ना। ईश्वर का वचन ईश्वरी है, लेकिन देखो खास करके आप बाइबल खोल के जरा पढ़िए, आपके पास जो बाइबल है तो खोल के देखिए, ये खास करके 18 और 19 अध्याय 13 18 19 में लिखा है, जब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। अब तुम लोग बोने वाला का दृष्टांत सुनो, मतलब उसको वो समझाता है, क्योंकि जो धान्य सटक सटक पर गिरा, जो बोने वाला जो बोया तो कुछ सटक पर गिरा, वो पक्षियां आके लेके गया। उसका मतलब क्या है, ये सड़क पर नहीं गिरना चाहिए वजन। अभी मैं सबको एक प्रश्न पूछता है, आप तुरंत उत्तर देना, तुरंत उत्तर दे सकता है कि नहीं। देखो कल मिसा बलिदान में जो वजन पड़ा है वो किसको याद है, जो याद है उसको हाथ उठाइए। कल मिसा बलिदान में जो वजन पड़ा है वो क्या है, जिसको याद है वो हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उधर एक आदमी को याद है, यहाँ पर कितने लोग याद है, सिर्फ नहीं वो भी हाथ नीचे कर दिया। देखो किसी को याद नहीं है, क्या हो गया। कल इस बिंदी वास्प के खास करके मिसा बलिदान में जो वजन पड़ा किसी को याद नहीं है। अभी याद आया, नहीं ठीक है। थैंक यू वेरी गुड। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद शैतान कूड़ा के लेके गया होगा। ये संभव है क्या, जो वजन ईश्वर है उसको शैतान उड़ा के ले जाता है। ये प्रभु ईसा मसीह कहा है, इसलिए हमको ये विश्वास करना चाहिए ये हो सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो वजन। तो सोचिए किस तरीका क्यों ऐसा होता है, ये खास बात है। आप बाइबल नहीं लाया क्या, जो बाइबल है वो खुल के देखिए, 19वां वजन, यदि कोई राज का वजन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। वजन सुनता है लेकिन वो वजन ईश्वर का राज का वजन है, ये नहीं समझने से मालूम नहीं है मत्ती का लिखा हुआ है, दोहन का लिखा हुआ है, निकोदेमोस से कुछ बात किया, क्या मालूम। हमें समझना चाहिए वो वजन ईश्वर का राज के साथ जोड़ा हुआ है, वो वजन ईश्वरी है। तो धर्म ग्रंथ में पुराने वेद स्थान में जो कुछ भी लिखा है वो नबियों के द्वारा हमको दिया है, लेकिन नया वेद स्थान में ईश्वर स्वयं इंसान बनकर आकर हमसे वचन देता है। ईश्वर इंसान बनकर आकर डायरेक्ट
डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा हमारे साथ ईश्वर बात करता है। अगर ये नहीं समझता है, ये पुराना नबियों का ग्रंथ के सब जो है वो भी ईश्वर का वचन है, लेकिन नबियों के द्वारा दिया। लेकिन नया वेद स्थान पर क्या है, यहां पर इब्रानियों का नाम ग्रंथ में लिखा है। इब्रानियों का नाम ग्रंथ का सबसे पहला वचन, इब्रानियों का नाम पत्र का सबसे पहला वचन ये है कि इब्रानी इब्रानी इब्रानियों का नाम का पहला वचन प्राचीन काल पर ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूप में हमारे पूर्वों से नबियों द्वारा बोला था। हमारा पूर्वों से नबियों द्वारा बोला था प्राचीन काल पर, वही ये पुराना ग्रंथ। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। पुत्र कौन है, पुत्र कौन है, पुत्र ईश्वरी है। पुत्र कौन है, ईश्वरी है। ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु सिर्फ पुत्र मात्र नहीं, स्वयं ईश्वर है। वो कहां लिखा है, वो कहां लिखा है, वो कहां लिखा है, वो पुत्र ईश्वर है करके कहां लिखा है, हैं? कोई बोला क्या, कहां लिखा है पुत्र ईश्वर है करके कहां लिखा है? किसी को मालूम है? ये पुत्र प्रभु ईसा मसीह ईश्वर है करके बाइबल में कहाँ लिखा है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, तो अभी मालूम करना चाहिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 1:18, योहन का सुसमाचार अध्याय 1:18, अध्याय 1:18 में बहुत बहुत ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता के गोद में रहने वाले इकलौते वही देखा है, एक ही व्यक्ति देखा है। कौन है वो? पिता की गोद में रहने वाले इकलौते। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, वो इकलौते पुत्र ईश्वर, वो ईश्वरी है। ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। इसीलिए फरीसी लोगों को ये जब प्रभु यीशु कहा मैं ईश्वर पुत्र है बोलने से उन लोगों को गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ईश्वर पुत्र, अगर कोई ईश्वर पुत्र बोलेगा तो वो स्वयं ईश्वरी है। ऐसा बोलने वालों को मार डालना चाहिए, ऐसा लिखा है धर्म ग्रंथ पर। लेकिन सचमुच में प्रभु तो वही है, लेकिन उन लोगों को वो ज्ञान नहीं मिला। तो हमें ज्ञान होना चाहिए ईसा मसीह ईश्वर पुत्र हैं, लेकिन उसी समय वो ईश्वर भी है। इसलिए प्रभु ने यौहन का सुसमाचार अध्याय 14:6-7 में दिया है, जो मुझको देखता है वो पिता को ही देखता है।
तो मेरा कहना मतलब क्या है कि जो वचन सुनते वक्त वो ईश्वर का राज का वचन है ये नहीं समझने से, ये नहीं समझने से वो वचन हृदय पर नहीं बस जाता है, बल्कि शैतान आके उसको उड़ा लेता है। ये बात मुझे बहुत गहराई में समझ में आया। मैं मेरा जीवन पर कैसे मैं आगे बढ़ा मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद दूसरा कुछ धान्य कौन सा जगह पर गिरा, पत्थर पर गिरा, उसे शैतान जाकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है, जो रास्ता का किनारे बोया गया है, ये वही है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है यह वह है जो वजन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उससे उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन टूट रहता है। वजन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर तुरंत विचलित हो जाता है और जो घाटों में बोया गया है ये वही है कि जो वजन सुनता है परंतु संसार के चिंता और धन के मोह वजन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता है। और चौदवा, जो वजन जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह ये है जो वजन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो संक्षिप्त में ये है कि वचन अपना हृदय पर फलदायक बनने के लिए हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, हृदय को पवित्र। अभी ये दृष्टांत हमारा सबों को समझता है। जब भी आप लोग अपने गांव में समझो कि कोई भी चीज बोने के पहले वो मिट्टी को तैयार करना पड़ता है ना, ये एक साधारण बात है ना। सभी लोग अभी गेहूं नहीं तो चावल बोने के लिए वो जमीन को कितना तैयारी करने के बाद ही बोता है ना। वो दृष्टांत प्रभु ने ईश्वर का वचन और हमारा हृदय के साथ संबंध में लिया है। हम लोग वचन पढ़ने से नहीं होता है, वचन पढ़ने के पहले हृदय को तैयारी करना चाहिए। तब मैंने मेरा हृदय का अंदर क्या क्या बुराई है उसके बारे में थोड़ा सा सोचने लगा। तब मैं जब इंजीनियरिंग काम करता था और उसी वक्त मनोरंजन के लिए मैं कभी कभी 2-3 सिनेमा देखता था, 2-3 सिनेमा। जब फ्राइडे को नया सिनेमा निकलता है
तो मैं एक थिएटर में मैटनी, एक थिएटर में फर्स्ट शो, दूसरा थिएटर में तीन सिनेमा देखता था। अभी मुझे प्रभु का वचन का पढ़ने समय मुझे मालूम पड़ा, मेरा हृदय पर ये वचन बोने के लिए, वचन को अपनाने के लिए जगह नहीं है क्योंकि मेरा हृदय में बहुत सारा सिनेमा है और बहुत सारा खराबी चीज भरा हुआ है। ये तो 30-35 साल का पहले का बात बोलता है। आज सिनेमा थिएटर में जाने का जरूरत नहीं, सबका हाथ में सिनेमा है हम सिर्फ YouTube खोलने से देखो कितना चित्र, कितना वीडियो हमारे अंदर ऐसा घुस जाता है और हम लोग मनोरंजन, कुछ मनोरंजन तो होना चाहिए ना। ये सब हमारे मन में, हृदय पर आके बस जाता है। फिर वजन के लिए जगह कहाँ है? पवित्र आत्मा का वरदान को बारे में समझने के लिए कहाँ है? तो इसलिए उसी वक्त मुझे पवित्र आत्मा ये बताया कि हृदय को कैसे पवित्र करना चाहिए। तब मैंने उस वक्त एक प्रेयर बनाया, जो मैं प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना करते करते मेरा हृदय का अंदर में थोड़ा सा पवित्रता पाने लगा। जब मेरा हृदय पवित्र बनाया तब ईश्वर का वचन को याद आता है, वचन वहाँ पर याद आता है। हर एक दिन का मिसा बलिदान का वचन मैं पहले से पढ़ लेता है, मिसा का पहले, और वो याद करते हुए मिसा बलिदान में भाग लेता है और वो एकदम हमारा हृदय पर बस जाता है और हमारा जीवन को, जीवन में जो वजन ईश्वर है वो वजन हमारा जीवन पर मिलकर हमारा जीवन को एकदम एकदम बदलता है। वैसा ही हम, हमारा जीवन में बदलाव होगा। सो ईश्वर का वजन शरीर बन गया, वजन शरीर बन गया, प्रभु यीशु आया। लेकिन वो अभी भी होता है जब वही ईश्वर जो शरीर बना ईश्वर, उनका वजन को हमको देते हुए वो वजन हमारा हृदय पर काम करेगा तो हम हर एक व्यक्ति में ईश्वर का वजन शरीर बनता है। हालेलुया। ये सब यहां पर लिखा है, कलीसिया का कैटेगरी सब में लिखा है। जो वजन ईश्वर था वो शरीर बन गया तो ईश्वर पुत्र मानव पुत्र बन गया। जो इस वजन शरीर बन गया तो ईश्वर पुत्र मानव पुत्र बना। वो मानव पुत्र उस वजन को हम लोग मानव पुत्र को देते समय हमारे अंदर वो काम करने से हम मानव पुत्र कौन बनेगा? ईश्वर पुत्र बनेगा। इसीलिए हम ईश्वर पुत्र हैं। हमारे अंदर हम लोग साधारण आदमी नहीं है, हम लोग कौन है? ईश्वर पुत्र है। ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी ईश्वर का बेटा बना। ये सच्चाई है। लेकिन ये कैसे बनता है? पहले ईश्वर का वचन के द्वारा।
उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके बाद पवित्र संसार संस्कार के द्वारा बपतिस्मा और पवित्र बलि संस्कार के द्वारा। तो ये लेकिन ये ईश्वर का वचन हमारा हृदय पर, ये जो उदाहरण बोने वाला का दृष्टांत अपने पड़ोसी में देखो, देखो उधर में वो मिट्टी में मेहनत करता है, वो मिट्टी तोड़ कर मिट्टी को तैयार करता है, क्योंकि बोने के लिए। बहुत साधारण दृष्टांत है, 2000 साल के बाद भी हमारे खेती में ये रोज हम लोग देखते हैं। प्रभु का दृष्टांत को सोचो, प्रभु के ये दृष्टांत को सोचो, ये 2000 साल के बाद भी ये दृष्टांत एकदम अभी अभी प्रभु ने कहा ऐसा ही है। मैं जब इधर आते वक्त ये धाम पर ये खेती देखने से मुझे तुरंत ये याद आता है, हाँ ये खेती है, ये खेती अभी तो देखो बहुत अच्छा देखता है, लेकिन ये खेती में बोने के पहले कितना मेहनत किया होगा तैयारी करने के लिए। तो भाइयों, प्यारे भाइयों बहनों, हमारे हृदय का पवित्रता करने के लिए हम एक तरीका का प्रार्थना करना चाहिए। ओके, अभी मैं वो आपको जरा सा उसमें से ले चलते हैं। तो पहले चीज ये कि हमारे प्रार्थना में प्रभु ने कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय छः में लिखा है, स्वर्ग का राज हे पिता बिंदी सिखाने के पहले प्रभु ने सिखाया छः में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर, अपने कमरे पर जाकर तो शायद अपना घर में एक छोटा प्रार्थना का कमरा होगा, उसका अंदर जाने के लिए भी हो सकता, लेकिन खास वैसा नहीं है। अपने कमरे कौन है, क्या है, वो हमारा हृदय है। मैं हूँ मंदिर ईश्वर का, है ना, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर हमारे हृदय पर निवास है। कल हम सीखा, संत पौलुस ने कहा है, मालूम नहीं है क्या है, मालूम नहीं है क्या, क्या मालूम, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, वही कमरे में। तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर, पहले बात अपने कमरे पर जाकर, दूसरा द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तो एकांत वही है, व्यक्तिगत रीति से प्रभु येशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपने कमरे के अंदर निवास है। इसलिए ये गीत रोज आप गाना चाहिए और उसका अर्थ समझते हुए प्रार्थना चालू करना चाहिए। ओ आत्मा, पावन आत्मा, अंदर यामी परमात्मा, तेरे निवास है मेरे हृदय में। देखा,
तो हमारे प्रार्थना में प्रभु ने दिया है कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कहाँ प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए, किससे प्रार्थना करना चाहिए, ये सब प्रभु ने मार्गदर्शन दिया है। तो किसी तरीका से प्रार्थना है, एक बहुत अनुभव होने के लिए ये खास बात है, प्रार्थना करते वक्त व्यक्तिगत रीति से अपने कमरे पर अपने हृदय के अंदर प्रभु के साथ एक होकर द्वार बंद करो। द्वार बंद करना मतलब क्या है? आपका हृदय का द्वार कहाँ है? आंख, कान, और हमारे अंदर बहुत कुछ चिंताएं आता है, ये सब बंद करना चाहिए। अभी हम प्रार्थना करने के लिए थोड़ा सा एकांत में बैठने से बहुत कुछ याद आता है, अरे वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अयो वो तो तुरंत करना चाहिए। ये खास कब याद आता है? एकदम प्रार्थना करने का समय। और हम वो याद में, वो मन में दूसरा कहीं जगह पर चले जाता है, शायद अमेरिका चले गया होगा। इधर बैठ के प्रार्थना करता है लेकिन हमारा मन दूसरा कई बात में। तो इसके लिए प्रभु ने कहा है वो द्वार बंद करो, मन का वो व्यापारों को बंद करो, मन का उस चिंताओं को बंद करने का ताकत हमको दिया है। देखो एक एक पक्षी, एक चिड़िया आपका सिर पर बैठा तो क्या होगा? वो चिड़िया क्या करेगा? मालूम है ना? तो एक चिड़िया हमारा सिर पर आके बैठा तो तुरंत हम हटाएगा, हट 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 जाओ, क्योंकि हमें मालूम है वो चिड़िया अपना सिर पर खराबी करेगा। तो हमको मालूम है उसको हटाने के लिए। वैसा ही होना चाहिए, अपने हृदय पर एक बुरा विचार, एक दूसरा चिंता आने से हमें ये ताकत दिया है वो नहीं चाहिए, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे अभी वो नहीं सोचना है, मैं अभी प्रभु के साथ है। नहीं तो अभी आप मेरे साथ एक कमरे पर बंद होके प्रार्थना करता है व्यक्तिगत, तो कोई आदमी आके उधर तो हम बोलेगा अरे भाई साहब अभी हम इधर प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाद में देखें। वैसा ही हमारा मन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। वो उतना आसानी नहीं है लेकिन हम प्रैक्टिस करना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते वक्त तो क्या लिखा है प्रभु, अपने कमरे पर जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे पर जाकर द्वार बंद करो। कमरे का अंदर तो जाएगा लेकिन सबसे मुश्किल क्या बात है, मुश्किल बात द्वार बंद करने के लिए। तो शुरू में थोड़ा सा तकलीफ है लेकिन हम लोग एकदम ये वजन के बारे में सोचते हुए प्रभु मुझे सहायता कीजिए, मुझे दूसरा कुछ चिंता करने का नहीं, अभी मैं प्रभु के साथ है, तो जो कुछ भी चिंता आएगा उसको हम हटाएगा, नहीं मुझे वो अभी नहीं, वो बाद में देखे, अभी मैं प्रभु के साथ है, अभी मैं प्रभु के साथ है। और प्रभु भी आपको सोच आपको देखता है तुम क्या क्या छू क्या अभी करेगा, तुम मेरे साथ रहना चाहेगा ना उस वो बात चाहेगा। तो यही एक पहले प्रार्थना है, यही सबसे पहले का प्रार्थना है। प्रभु सोचता है तुम अभी क्या चुनेगा, मेरे साथ रहने के लिए चुनेगा
न तुम्हारा माँ बाप का नहीं तो तुम्हारा दोस्तों को साथ रहने का चुनेगा। तो आप मन में कहता है कि नहीं प्रभु, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे अभी कोई किसी के साथ रहना नहीं, किसी का चीज सोचना नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। तो उसी वक्त प्रार्थना एक अनुभव हो जाता है, उसी वक्त प्रार्थना एक अनुभव हो जाता है, अनुभव चालू होगा, क्योंकि प्रभु देखता है तुम किसको चुनेगा। तो हमारे मन पूर्ण बोध के साथ बाकी सबको तिरस्कार करते हुए प्रभु के साथ रहने के लिए चुनता है, यही सबसे पहला बात। तो इसके लिए बोलता है व्यक्तिगत प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना मतलब हम कोई भी जहाँ पर जाके व्यक्तिगत अकेले बैठने के बात नहीं, प्रभु एक व्यक्ति है, ईश्वर एक व्यक्ति है, ईश्वर सबों को सृष्टि किया, क्या सृष्टि किया, इस पृथ्वी को सृष्टि किया, सूर्य चांद को सृष्टि किया, लेकिन वो व्यक्ति था क्या, वो व्यक्ति है क्या? एक हाथी, बहुत बड़ा हाथी, बहुत सुंदर है, लेकिन वो व्यक्ति है क्या? व्यक्ति नहीं है। एक ही एक प्रभु ने सबों को सृष्टि करने के बाद कहा, अभी मैं एक अमूल्य सृष्टि करेगा जो मेरा जैसा ही, मैं जैसा व्यक्ति हूं, मेरा जैसे ही एक व्यक्ति को सृष्टि करेगा, क्योंकि तो मुझे उनके साथ मेल मिलाप होगा, उनके साथ एक जोड़ेंगे, पति पत्नी जैसा जोड़ी हो जाने के लिए। तो हमारे आत्मा प्रभु के लिए पत्नी जैसा है और प्रभु पति जैसा है, वैसा ही हम हमारे साथ प्यार से मोहब्बत से मिलन होने के लिए प्रभु हमें बनाया, एक व्यक्ति करके बनाया, ऐसा कोई भी सृष्टि नहीं किया, एक व्यक्ति करके। ये समझते हुए प्रभु ने कहा है, तुम प्रार्थना करते वक्त अपने कमरे पर जाओ, द्वार बंद करो। जैसे पति पत्नी कमरे पर जाकर द्वार बंद करके एक साथ प्रेम मोहब्बत से एक हो जाता है, वही बात है, वैसा प्रेम से प्रभु के साथ कुछ देरी बैठने के लिए। और वो प्रभु जो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ देगा, जो मांगो, वो नहीं मांगेगा तो भी देगा। सो ये इसके आग्रह में लिखा है, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारा क्या जरूरत है प्रार्थना करने के पहले। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत प्रार्थना का शुरू में इतना हम समझना चाहिए, व्यक्ति है हमारे आत्मा, एक व्यक्ति है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, व्यक्ति है, वो व्यक्ति तीनों मिलकर एक व्यक्ति बनता है, और वो एक ईश्वर व्यक्ति हमारा व्यक्तिगत रूप से प्रेम से प्यार से हमें मिलन होना चाहता है। ये मिलन होने पर अभी हाथ में कुछ बुराई चीज है तो उसको साफ करना चाहिए। तो प्रभु ने क्या किया, अंतिम भोजन के पास पहले प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने चेलों का पैर धोया। तो पेत्रुस ने कहा, नहीं,
हाँ बाप मेरा पैर मत धो। देखो अगर मैं तुमको नहीं धो डालेगा तो तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है, है ना? उसका मतलब क्या है? प्रभु ईश्वर, ईश्वर के साथ हमारे लिए कोई संबंध होना चाहिए, तो उसका बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अभी ये प्रभु है और नहीं तो ये हमारे आत्मा है, हमारे आत्मा के साथ प्रभु को कुछ संबंध होने का है तो इसका अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी देखो ये इसका अंदर रह जाता है तो हमारे आत्मा के साथ संबंध नहीं मिलता है। तो प्रभु बोलता है अरे ओ हड़ाओ, हाँ ठीक है, हाँ अभी संबंध हो गया। समझ में आया? जरा सा भी बुराई हमारे आत्मा में होगा तो प्रभु जो परम पवित्र पावन प्रभु है वो कैसे हमारे हृदय पर बस जाएगा? समझ में आया? तो सबसे पहले प्रभु स्वयं हमारे हृदय को पवित्र बनाना चाहता है और वो करेगा भी है। वो जानते हुए हमारे अभ्यंतर में निवास प्रभु, वो दूसरा गीत हम लोग गाते हैं पावन आत्मा अंदर यामी बरसा दो अपनी कृपा। कृपा कृपा मतलब ईश्वरीय जीवन हमारा जीवन पर मिलाते हुए पवित्र करता है। अभी हमारे अंदर क्या क्या है क्या हमारे अंदर? हमारा अभ्यंतर में हमारी आत्मा है, हमारे मन है, हमारे चिंताएं हैं, हम जो कुछ भी देखता है सुनता है वो सब हमारे हृदय पर एकत्र हो जाता है। तो पहले हमारे हृदय पर निवास प्रभु को आराधना करना चाहिए। प्रभु ये बहुत बहुत ये बहुत अच्छा है, आप मेरा हृदय पर निवास है, मेरा हृदय आपका मंदिर है, मेरा हृदय मंजूषा है, लेकिन मैं अभी तक मेरा हृदय में आपको आराधना नहीं किया। अभी मैं मेरा हृदय पर निवास प्रभु को मेरे हृदय पर आराधना करते हैं। पिता तेरी वंदना कर, तो हमारा मन अभ्यंतर में जाना चाहिए, बाहर नहीं। ऐसा करते हुए थोड़ा आंख बंद करते हुए दोनों हाथ हृदय पर लगाते हुए ये गीत गाते हुए थोड़ा हमारे हृदय में निवास प्रभु को आराधना कीजिए। सब लोग अपने आप कीजिए। पिता तेरी वंदना करते जीवन तेरी चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरी चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरी चरणों में रखते हैं, हम तुझे का